तो भाई आज मैं आपको इस वीडियो में IQ9SE के बारे में बताने वाला हूँ, जो लॉन्च तो 34,000 की प्राइस में हुआ था। बट भाई अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आप इस स्मार्टफोन को ओनली ऑन 28,000 में ही बाय कर सकते हो। मतलब भाई पूरे आपको 6,000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो कब से और कहाँ से बाय कर सकते हो, ये फ़ोन की स्पेक्स क्या देखने को मील जाती है, सारी बातें डिटेल से करने वाले हैं। बात कीजिए स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर हमें 6.62 इंच की एक फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट में एक AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें SDR10 का सपोर्ट, वाइट बैनल 1 सर्टिफाइड देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हमें सेंटर में एक पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। यानी ओवरऑल डिस्प्ले कमाल और शानदार है। अगर बात कीजिए प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 888 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप, LPDDR5 की रैम टाइप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें अच्छे खासे 5G बैंड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो भाई जो प्रोसेसर है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा और शानदार है भाई। 888 बहुत ही खतरनाक है। अगर कोई भी हैवी टास्क परफॉर्म करना चाहो, कोई भी गेमिंग करना चाहो, तो भाई ये अच्छी खासी आपको पावर एफिशिएंसी वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। आगे बात कीजिए कैमरास के बारे में, तो भाई यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जहाँ पे हमें OIS एंड ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का बहुत ही महत्वपूर्ण माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हमें फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। जब बैटरी और चार्ज के बारे में, तो यहाँ पे हमें 4500 mAh की बैटरी और जो फोन ये 66 वाट के फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है, और जो चार्जर है वो हमें बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है। बात की जाए UI के बारे में, तो भाई इस टाइम पे इसे एंड्रॉयड 13 और भाई देखिए यहाँ पे हमें फंटच OS देखने को मिलता है। तो फंटच OS 13 इस पर रन करता हुआ देखने को मिल जाता है। हाँ, हल्का कुछ एड्स और ब्लूटूथ ईयर्स होंगे, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कभी यूट्यूब पर थोड़ी वीडियो देखिए और अपना 2 मिनट थोड़ा लगा के, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे आप ब्लूटूथ ईयर्स और एड्स को डिसेबल कर दोगे, अनइंस्टॉल कर दोगे, तो आपका जो UI यूज़ करके एक्सपीरियंस वो एक लेवल आगे हो जाएगा। अगर बात की जाए सेंसर्स के बारे में, तो यहाँ पे मेन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का सपोर्ट, USB टाइप सी का पोर्ट, यहाँ पे हमें कोई भी 3.5 इंच वाला गड्ढा देखने को नहीं मिलता, डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे हमें डुअल सिम कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बात कीजिए बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के बारे में, तो भाई डिजाइन भी हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है, ग्लास बैक देखने को मिलता है, साइड का फ्रेम प्लास्टिक का देखने को मिलता है और ओवरऑल ठीक देखने को मिल जाता है। बात कीजिए भाई कब से और कहाँ से आप इसे बाय कर सकते हो, तो भाई देखिए अभी इस टाइम अगर आप Amazon पे जाते हो तो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में इसकी प्राइसिंग हमें 31,000 यानी 31,000 देखने को मिल जाती है। बेस्ट बाय लिंक हालांकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से चले जाओगे। भाई अगर आपके पास में ICICI या HDFC का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, तो सिंपल से आपको प्रीपेड कर देना है और आपको इंस्टेंट 3,000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और इफेक्टली जहां पे हमें 31,000 देखने को मिला था, अगर इसमें हम 3,000 माइनस करते हैं तो हमें यहां पे 28,000 प्राइस देखने को मिल जाता है। और भाई 28,000 के हिसाब से बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन देखने को मिलता है, आप 28,000 में ये फोन जरूर ही बाय कर सकते हो। हालांकि भाई अगर आपका बजट 25,000 रुपए ही है, तो IQ Neo 6 भी देख सकते हो, इसके ऊपर हमने रिकेट वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं सर एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।